महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है वो इतना घिनौना है, इतना घिनौना है कि उसकी कोई विवरण भी नहीं कर सकते, ना उसको देख सकते। ये टोटल फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है। वो अगर रोक सकते थे तो वो पहले दिन ही रोक सकते थे। जाति उपजाति के बीच ये लड़ाई लगा के ये जमीन हड़पना चाहता है ये कॉर्पोरेट सरकार, ये हमारी आजादी का सरकार, ये मोदी का सरकार। संसद भवन के पास जंतर मंतर पर खड़े होकर ये प्रदर्शनकारी मणिपुर की घटना पर आक्रोश दिखा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, शोक मना रहे हैं। हाँ, वहीं खड़े होकर मणिपुर के हालात पर चिंता जता रहे हैं, जहां से 2 मिनट की दूरी पर बैठे पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, बोल भी रहे हैं तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। प्रदर्शनकारी कुकी और मैतेई समुदाय में बढ़ रही आपसी नफरत पर अफसोस जता रहे हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर बनाम राजस्थान छत्तीसगढ़ करके राजनीति बतिया रहे हैं। प्रदर्शनकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री खुद ही 2.5 महीने बाद पहली बार मुंह खोल रहे हैं। मणिपुर के हालात आप देख रहे हैं, हम भी हर संभव खबर बता रहे हैं, मगर आप और हम वहां के असल हालात का एक हिस्सा तक नहीं जान पा रहे हैं, एक हिस्सा तक नहीं देख पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपस में लड़ाई हो रही है कुकी और मैतेई की, तो तमाम आरोप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर क्यों लगा रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वहां के लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, पहाड़ों पर अफीम की खेती की पॉलिटिक्स समझा रहे हैं, कुकी समुदाय के साथ सौतेले व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई का मुद्दा उठा रहे हैं, फिर जाकर मैतेई को ST कैटेगरी में रखने पर आपत्ति जता रहे हैं। मुद्दों को समझने के लिए मीडिया के बजाय वहां के लोगों की बात सुनिए। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। एक दूसरे से जुड़ी हुई 3-4 बातों को समझ कर ही कोई राजनीतिक राय बनाइए। जो क्राइसिस ओपन तरीके से जो वायलेंस हुआ है, ओपन वायलेंस हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि जो पहले वायलेंस नहीं था। पहले तो ओपनली प्रोवोकेशन, जो हथियार ऐसे नहीं हुआ था, परंतु ये हम समझना चाहिए जो इशू है 3 मई को हुआ है उसका कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। इसमें जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट है, बीरेन बीजेपी 2.0 गवर्नमेंट है, जब उसने गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है, उससे उसके बाद नया नया पॉलिसी मतलब जो लेकर आया है, क्या क्या लाया है कि पॉपी कल्टीवेशन जो है मणिपुर के पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पॉपी कल्टीवेशन चल रहा है, ये नंबर वन जो है एलिगेशन है। सेकेंड में जो नाकू जो रेफ्यूजीज म्यांमार से अंदर आया है, वो जो कुकी कम्युनिटी पार्टिकुलरली उनको एकदम जो बाहर के मतलब आउटसाइडर्स की तरह पोर्ट्रेट कर दिया गया है, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट में जो पहले क्या हुआ है पॉपी कल्टिवेशन आ गया, और नंबर 3 में डीफॉरेस्टेशन की जो पॉपी कल्टिवेशन के कारण डीफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसको इविक्शन करना चाहिए, ऐसे नंबर 3 पॉइंट। और नंबर 4 पॉइंट में क्या आया कि मैतेई जो है, मैतेई समुदाय है जो मेजोरिटी में है, उन्हों को ST डिमांड के जो मांग है वो थोड़ा बहुत कंसिडर करने लगा है। इसको जो अलग अलग जो 4 पॉइंट हैं जो मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, इन तीनों अलग अलग आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, वो हाईली इंटरकनेक्टेड इश्यूज है, एक दूसरे से एक से जुड़ा हुआ है। ये टोटल फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है। वो अगर रोक सकते थे तो वो पहले दिन ही रोक सकते थे, परंतु उन्होंने आर्म्ड विजिलेंटी ग्रुप सच एस आरंभाई तेंगोल और मेते लिपुन को खुली छूट दी ताकि वो अपना प्रोग्राम कर सके कुकी समुदाय के खिलाफ पूरी 2 महीने तक। अभी 2 महीने हुआ, अभी तक हिंसा की घटना रुकी नहीं है। रोज़ न्यूज़ आते हैं कि लोगों का लोगों को मारा गया है, मर्डर किया गया है, बुरी औरतें से लेकर छोटे बच्चों का मौत की दर्दनाक हत्या की गई है। अभी हमें कुकी समुदाय को स्टेट गवर्नमेंट पे और उसकी पुलिस पे कहना है कि एक लफ्ज़ है अंग्रेजी में, उसका नाम है कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो असली जिम्मेदारी तो सबसे ऊपर जो बैठा है उसकी जिम्मेदारी है ये, और इस वक्त जो मणिपुर में हो रहा है उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ ये है कि लैंड ग्रैब जो है, कि जो कुकीज जो पहाड़ों में रहते हैं
मेथीज को उनका लैंड ग्रैब करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है इस सरकार ने, वहाँ से ये घटना शुरू होती है। ये पुरानी घटना है और उसको बढ़ते 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 आज जबकि आप लोगों ने, मीडिया ने इतना बढ़िया काम किया है, तो आज पहली बार प्रधानमंत्री ने मणिपुर का नाम जबान से निकाला है। और बीरेन सिंह जो हैं वो इतने ब्रेनलेस हैं कि उन्होंने कुछ कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, जबकि महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है वो इतना घिनौना है, इतना घिनौना है कि उसकी कोई विवरण भी नहीं कर सकते, ना उसको देख सकते। जो डबल इंजन सरकार चल रहा है, जो डबल इंजन सरकार लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ ये बंटवारा करना चाहता है, और बंटवारा किससे करना चाहता है वो हम लोगों को अभी पता चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया था, उस सर्वे में दिखा रहा था मणिपुर में मैंगनीज, निकल, प्लैटिनम जैसा खनिज मिलता है, और वही खनिज हड़पने के लिए अभी कॉरपोरेट मणिपुर को खत्म करना चाहता है, और इसके लिए जाति उपजाति के बीच ये लड़ाई लगा के ये जमीन हड़पना चाहता है। ये कॉरपोरेट सरकार, ये हमारी आजादी का सरकार, ये मोदी का सरकार, और इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सिर्फ लड़ाई ये सब आईडी का नहीं है, ये मणिपुर कल हम लोगों ने जो देखा, ये पूरा देश शर्मनाक बात है। ये मोदी जी तो फ्रांस में जाके किसी बिल्ली का बुखार हो जाता है तब भी डील कर लेता है, लेकिन अपने देश में 80 दिन चलते हुए जो आग चल रहा है, अभी हम लोगों को मणिपुर से बहुत सारे लोग फोन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेज बंद है, स्कूल चल रहा है, काम धंधा नहीं है, और इस हालत में वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। हम लोग चाहते हैं उसका भविष्य क्या होगा, हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार के पास कुछ भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है ये अभी सिर्फ एक दो महिला के साथ हुआ ही नहीं, हमने सिर्फ एक दो का वीडियो ही देखा ही है, जो वीडियो नहीं निकाला, हमने जो नहीं देखा, लेकिन बहुत लोग बहुत ही हो गया है कि हमारा दो बेटियां भी उन लोगों ने मार के मरने के लिए छोड़ देता है, और कुछ पुलिस ने उन लोगों को बचा लिया। अभी उनका यूट्यूब में भी उनका टेस्टिमनी, उनका स्टोरी हम देख सकता है, सुन भी सकता है कि उन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। सिर्फ वही ही नहीं, दूसरा भी हमारा दो माँ बेटी को भी रेप करके मार डाला, फेंक दिया था और जला दिया था। ऐसा बहुत वीडियो ही नहीं, वीडियो में तो छोटा सा सिर्फ एक दो वीडियो ही निकला है, लेकिन विदाउट वीडियो बहुत सिचुएशन भी हो चुका है। ये तो सीएम बीरेन ने सिर्फ इस जब वीडियो निकला है, ओनली उसके टाइम उससे पहले वो पता चुका था, मालूम हो चुका था कि हम लोगों ने FIR भी कर चुका था इसी बारे में, हमारे लोगों के बारे में FIR भी बहुत FIR दे चुका था, लेकिन उसके बारे में
उसके समय में उस वो चुप रहे कि अभी वीडियो निकलने के टाइम वो क्यों ऐसा बात कर रहा है, वो तो सब दिखावा ही है, बीरेन सिंह तो सब दिखावा ही है, वो तो ज़रूर रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, नहीं देगा तो शांति नहीं रहेगा। उसके बाद हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, सेपरेट स्टेट या यूनियन टेरिटोरी चाहिए, बस वही है चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया हुआ क्राइम है, इसलिए वो ये सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे पाएगा, वो भी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ वही सोल्यूशन ही होता है। हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी आया था, उसने वादा किया था, हमारे आप लीडर लोगों को बोला था 15 दिन का कुछ जाने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चांस दे दो, खोल रास्ता खोल दो, उसके बाद उसने क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ, उसे बिगड़ता ही जा रहा है। हमारा वो कंडीशन, हमारा हालात बुरी की तरफ से बिगड़ते ही जा रहा है, उसका आने का कुछ फ़ायदा हम नहीं मिला। पीएम मोदी जी, उसको अभी बोलने का समय नहीं है, उसको करने का समय है, उसको हमको हमारा आदमी लोगों को हम जो कुकी जो कम्युनिटी को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देने का समय हो गया। अभी बात करके सिंपैथी देके हमको दिल दुखी का बात बोल के बोलने का समय नहीं है, अभी उसको हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देने का समय हो गया। उससे वो अभी बात कर रहा है, कब काम करेगा, अभी बात करेगा तो बात करने के बजाय काम करो, हमको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, हमको स्टेट दे दो या यूनियन टेरिटोरी दे दो। मोदी जी जो वायलेंस को कंटेन करना ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो मोदी जी बोल रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, क्यों जो जनता का जो है जो स्ट्रगल है उनके कारण से जो उसको ज़बरदस्ती से करना पड़ रहा है, इसके लिए जो मुँह खुला है कि मतलब इसको बंद करना चाहिए कंटेन, ऐसे नहीं है, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है उसमें, क्योंकि उसके कारण, उसके डिविसिव एजेंडाज के कारण अभी मणिपुर जल रहा है और जो बहुत ज़्यादा जो इरिपेरेबल लॉस हुआ है, इट विल टेक टाइम। आपने सुना होगा कि सरकार और पुलिस कार्रवाई अभी कर रही है, परंतु ये कार्रवाई इसलिए कर रही है ताकि क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर आया है, यू नो लोगों प्री नेशनल लेवल पे लोगों को पता चला कि मणिपुर में क्या चल रहा है, वही उसी चीज़ के कारण अभी यू नो पुलिस कार्रवाई कर रही है, परंतु ये जो FIR ये तो दो पहले से ही एक जून के महीने में दर्ज किया गया था, परंतु तब भी कुछ यू नो एक्शन नहीं लिया गया, अभी जाके जब वीडियो वायरल हुआ तभी जाके एक्शन हुआ है। CM बीरेन सिंह एक ही समुदाय के इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, यू नो उनको कोई बताना चाहिए कि यू नो कि वो जस्ट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है, ही सपोज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द होल एंटायर स्टेट, बट वो अपने एक्सपेक्टेशन के ऊपर यू नो लिव अप नहीं किए। हम तो पहले दिन से लागू कर हम चिल्ला रहे कि प्रेसिडेंट रूल जल्दी लगा दिया जाए, 356 लगा दिया जाए, आम यू नो फौज को खुली छूट दिया जाए ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ गया, क्योंकि सरकार BJP की है, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, बट देर अभी तक सरकार अभी भी है वही है, CM अभी तक रिज़ाइन नहीं किया डिस्पाइट उनके यू नो अकाउंटेबिलिटी पे इतने क्वेश्चंस रेज किए।